नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती पाठक और आप देख रहे हैं ऑपरेशन जहर के सौदागर। आपसी सौहार्द और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते भारतीय त्यौहार जहर के सौदागरों के लिए कमाई का अवसर बन गए हैं। जब आप और हम खुशियां बांटने के लिए मिठाई और पकवान बनाते हैं तो इस बात से बेखबर रहते हैं कि हम पकवान नहीं जहरीले खाने को तैयार कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि दिल्ली एनसीआर में विभिन्न इलाकों में जहर के सौदागर खुलेआम मंडियों में ये जहर बेच रहे हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग से लेकर पुलिस और प्रशासन आंखें बंद करके गहरी नींद में सोया है। भारत एक्सप्रेस की इस खास इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे अंडरकवर रिपोर्टर राजू गुप्ता और एसआईटी हेड सुबोध जैन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर का इलाका मिलावट का अड्डा बन गया है। माफियाओं ने नकली दूध, पनीर और मावा बनाने के लिए कई ऐसे आविष्कार कर डाले हैं जिनमें ग्लूकोज, चूना, सोयाबीन से लेकर पाम ऑयल, मिट्टी और खतरनाक केमिकल्स तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। त्योहार खासकर दीपावली का सीजन मिलावट के माफियाओं के लिए कमाई का अवसर बन जाता है और दिल्ली एनसीआर में मावा, दूध, घी, पनीर की मिलावट चरम पर पहुंच जाती है। यहां बनने वाला मिलावटी मावा, पनीर और घी दिल्ली और उससे सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जिलों तक सप्लाई होता है। आजकल त्योहारों के मौसम में पनीर, खोया और घी बहुत सारा मार्केट में उपलब्ध है, जो कि बहुत ऐसे तरीके होते हैं जिनसे बनाया जाता है और नकली कह सकते हैं उसको कि होता है ज्यादातर। और नकली खोया पनीर जो बनाने के लिए वनस्पति आयल का प्रयोग करते हैं, स्टार्च का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पे तो यूरिया और कोलतार का प्रयोग करते हैं, डाई डिटर्जेंट है और मैदा का प्रयोग करते हैं और उसको सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह मिला करके इसमें, जिसको कि बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उसको मिला करके बनाया जाता है। और इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए पाम ऑयल या वनस्पति ऑयल, जैसा कि मैंने बताया, उसका भी प्रयोग करते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और बहुत सारी जगहों पे कभी कभी जो मिलावटखोर होते हैं वो चूना भी मिलाते हैं और सोयाबीन ऑयल भी मिला देते हैं। तो मुझे ये कहने में हर्ज नहीं है कि जब भी आप पनीर वगैरह लें तो अच्छे स्रोत से लें और जानकार व्यक्ति से लें, जिससे कि आपकी सेहत सही रहे। साथ साथ खोया में जो है आप ग्लूकोज है, यूरिया है और रिफाइंड ऑयल वगैरह है, मिल्क पाउडर से बनाया जाता है और इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिला करके इसकी मात्रा को बढ़ा लिया जाता है और इसको एक तरह से क्वांटिटी और इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए यह बहुत ही खतरनाक है, जो कि आपके लीवर को और बहुत सारे जो पाचन तंत्र की व्यवस्थाएं हैं उसे सेहत को नुकसान पहुंचाता है। नकली दूध, पनीर, मावा और घी बनाने के लिए ये लोग एक ड्रम में सेपरेटा दूध, रिफाइंड ऑयल, वनस्पति घी और लिक्विड डिटर्जेंट जैसे खतरनाक पदार्थ डालकर इलेक्ट्रिक रई से घोल तैयार करते हैं। 100 किलो पनीर बनाने के लिए ये 500 लीटर सेपरेटा दूध में 60 लीटर केमिकल के घोल को मिलाते हैं। इससे पनीर का फैट बढ़ जाता है। थोक रेट में पनीर 200 रुपए किलो बेचा जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 100 किलो पनीर बनाने से इन मिलावटखोरों को 20,000 रुपए तक की कमाई हो जाती है, जबकि इस काम पर महज 3,000 से 4,000 रुपए का खर्चा आता है। मिलावटी दूध बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे माल्टोडेक्सट्रिन पाउडर, ग्लूकोज, रिफाइंड ऑयल, वनस्पति घी, लिक्विड डिटर्जेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कास्टिक सोडा समेत मिल्क पाउडर का बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा है। केमिकल बेचने वाले लोगों ने कार्रवाई से बचने के लिए गोदामों को दूर दराज शिफ्ट कर रखा है। नकली दूध पीने से, नकली पनीर और मावा खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपकी किडनी और लिवर पर बुरा असर पड़ता है और आपकी जान पर भी बन सकती है। देखिए, फेस्टिव सीजन इंडिया में दीपावली के आसपास आ चुका है। वो हर साल ये प्रॉब्लम आती है कि इस साल मिठाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इस समय पनीर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मावा यानी कि खोया ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो इसके लिए तरह तरह के ना, इसके लिए जो मिलावटें की जाती हैं, ये मिलावटें हमारे दिल्ली शहर में देखो जरूरत से ज़्यादा हैं। इसमें कुछ भी मिला लेते हैं लोग, चाहे ये डिटर्जेंट मिलाते हैं, चाहे ये कास्टिक सोडा मिलाते हैं, इवन हाइड्रोजन परऑक्साइड तक मिलाते हैं, सोयाबीन मिक्स किया जाता है। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी समय से पता है, इनफैक्ट एवरीबडी नोज इट। हमारे देश में बकायदा
फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट्स हैं, बाकायदा हर शहर में हर म्यूनसिपैलिटी में ये डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये मिलावटें खुलेआम चलती हैं और बाकायदा लोग दुखी भी होते हैं, कंप्लेंट्स भी जाती हैं, लेकिन फिर भी ओवर ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि ये मिलावटें पहले से बढ़ रही हैं। इनसे क्या नुकसान हो सकता है आप सोच के देखिए। आपने बड़े चाव से पनीर मंगवाया, आपने सोचा कि मुझे पनीर से मेरे बच्चे को मेरे घर के लोगों को अच्छी चीज़ें मिलेंगी, वो पता चला उसके स्थान पे आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया हुआ है पनीर बनाने के लिए, कोई मिट्टी ऐड कर दी गई है, कोई सोयाबीन ऐड कर दिया गया है, कोई डिटर्जेंट ऐड कर दिया गया है, तो उससे आपका एक तो विश्वास टूटता है और जो इसके जो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फिज़िकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, वो एलर्जेनिक भी हो सकते हैं, तो कहीं कई किस्म के जो नुकसान है जिसके लिए कि हम तैयार नहीं हैं। हम इस फेथ में चीज़ खरीदते हैं कि हमें अच्छी चीज़ मिलेगी, ना हमें मावा यानी कि खोया साफ़ सुथरा मिलता है, ना हमें पनीर साफ़ सुथरा मिलता है, ओबियसली उनसे बनी हुई जो मिठाइयाँ होंगी जो जितनी बहुत ज़्यादा इस फेस्टिव सीज़न में इस्तेमाल होती हैं वो भी हमें ख़राब मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर से हमारे स्वास्थ्य से एक खिलवाड़ भी है और एक विश्वासघात भी है। मौत का ये कारोबार देश की राजधानी दिल्ली NCR में पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा है। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली NCR के प्रमुख बाजारों और मंडियों का रुख लिया और इस पूरे खेल को बारीकी से समझा। हमारा खुफिया कैमरा दाखिल हो चुका था गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में। यहां पर गरिमा गार्डन की मार्केट में हमारी पनीर और मावे के दाम, उनकी क्वालिटी से लेकर फूड इंस्पेक्टर तक सब पर बातचीत हुई। भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा दाखिल हो चुका था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के गरिमा गार्डन इलाके में। यहाँ के चौहान पनीर भंडार में हमने पनीर और मावे के रेट मालूम किए। यहाँ पनीर 190 रुपए किलो और मावा 220 से 230 रुपए किलो है। तो क्या रेट, अभी क्या रेट चल रहा है? अब 190 के आसपास में होगा चाहता है। 190 और मावा 220-230। गारंटी का पनीर मिलेगा, शिकायत वाली कोई बात नहीं। भारत एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर ने पास ही में दूसरी दुकान शाही पनीर भंडार का रुख किया। बातचीत में मालूम चला कि यहाँ पर दो क्वालिटी का माल मिलता है, एक बढ़िया तो दूसरी सेकंड क्वालिटी। यहाँ सेकंड वाला पनीर 176 रुपए किलो, प्योर वाला 222 रुपए किलो है। इसी तरह बढ़िया मावा 280 रुपए किलो और हल्का मावा 200 से 210 रुपए किलो है। कितनी क्वालिटी में मिलेगी? सेकंड वाला कितने का? क्या सेकंड वाला 176 और फर्स्ट वाला 222 रुपए प्योर वाला। ये तो इसे पाउडर वाली होती है या फिर पाउडर वाली होती है? मावा क्या रेट? 200 बढ़िया वाला, हल्का वाला तो वही है। हल्का वाला कैसा? 210। खतरनाक मावा और पनीर खुले आम बेचा जा रहा है, ऐसे में इलाके के फूड इंस्पेक्टर कहाँ हैं? शाही पनीर भंडार वाला ये शख्स बताता है कि फूड इंस्पेक्टर को प्योर माल भी दे देंगे तो वो भी फेल हो जाएगा, इसीलिए परेशानी से बचने के लिए तय रकम फूड इंस्पेक्टर को अदा कर दी जाती है। रोड शर्फर की बात तो ऐसी है, देखो जी गुरुजी, हाँ प्योर दे दोगे है? प्योर दे दोगे वो भी फेल है। अच्छा, हल्का दे दोगे वो भी, हल्का वाला तो है ही हाँ फेल ही है। हाँ, उनकी नज़रों में तो देखो गलत तो गलत, उनकी नज़रों में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हमारा 10-15 दिन पहले आ गया था, हमारा लाइसेंस बना 10-12 हज़ार रुपये से, वो तो भाई साहब उनकी नज़रों में तो हम गलत ही हैं, उनका तो एक बिजनेस हो ना। जैसे हम आप बिजनेस कर रहे हो, अब हमने तय कर ली पूरी मार्केट में एका कर लिया कि हम उन्हें 10,000 रुपये पहुँचा देंगे। गाजियाबाद के गरिमा गार्डन की एक और दुकान गढ़वाल पनीर और मावा भंडार में हमने बात की। यहाँ भी पनीर और मावे की
दो क्वालिटी मिलती है। बढ़िया पनीर 230 रुपए किलो, हल्का पनीर 180 रुपए किलो और ये पाउडर वाला रहता है। यहाँ मावा आपको 260 रुपए किलो मिलेगा। बढ़िया भाई 230 रुपए लगे। बढ़िया वाला एकदम बढ़िया गारंटी के साथ। और हल्का वाला? हल्का वाला 180 रुपए। 180। और मावा? मावा भाई का देसी का 260 रुपए। बढ़िया वाला एक जैन में लीटर माल मिलेगा। और हल्का वाला? हल्का कोई रखते ना भाई, इसलिए नुकसान होता है, इसलिए एकदम तो हल्का पनीर जो रहता है वो क्या पाउडर वाला रहता है? पाउडर वाला। गरिमा गार्डन के बाद हमारा खुफिया कैमरा दाखिल हो चुका था गाजियाबाद की सब्जी मंडी में। यहां भी दुकानों पर खुला मावा और पनीर बेचा जा रहा था। बातचीत में पनीर और मावे के एक बड़े व्यापारी ने बताया कि अगर बढ़िया दूध होगा तो उसे सिर्फ 200 ग्राम के लगभग ही पनीर निकलेगा। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि यहां पर मिलने वाला पनीर और खोया किस क्वालिटी का होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की सब्जी मंडी में भारत एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर ने पनीर और मावे के एक बड़े व्यापारी से बात की। इस व्यापारी ने बताया कि अगर बढ़िया दूध होगा तो उससे 200 ग्राम के लगभग ही पनीर निकलेगा। हमारे रिपोर्टर ने जब इससे पनीर और मावे के रेट पूछे तो मालूम चला पनीर 180 रुपए किलो है और अगर बढ़िया पनीर चाहिए तो आपको 270 से 280 रुपए के बीच मिलेगा। मावा भी आपको 240 से 250 रुपए किलो मिलेगा। एक किलो में कितना निकलता है? ऐसे निकलता है ना, तो बढ़िया दूध होगा तो 200 पौने 200 ग्राम निकल जाता है। 200 ग्राम आप खुद से बनाते हैं पनीर? तो पहले से अपना 180 से स्टार्ट है मतलब यहाँ का। तो मान के चलो अब बढ़िया क्वालिटी 200। हाँ 200 से कम का नहीं, नहीं 200 से ऊपर कितना बताया? बढ़िया क्वालिटी 240 270 280। अब जो मिनिमम रेट चल रहा है मान के चलो 240-250 के आसपास चल रहा है। मावा बढ़िया क्वालिटी आज दिवाली तक यही चलेगा। भारत एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन जहर के सौदागर। गाजियाबाद सब्जी मंडी के बाद हमने रुख किया गाजियाबाद की पौश इलाके वसुंधरा के सेक्टर 16 का। बातचीत में मालूम चला कि यहां पनीर में कोई रिफाइंड तेल, कोई सोयाबीन, कोई मोबिल ऑयल तो कोई अरा रोट मिला रहा है, तो मावे में मिट्टी मिलाई जा रही है। मतलब साफ है जहर के ये सौदागर आपकी जान लेने पर तुले हुए हैं। भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा अब दाखिल हो चुका था गाजियाबाद के वसुंधरा की सेक्टर 16 की मार्केट में। यहाँ श्री गढ़वाल पनीर व खोया भंडार में हमने पनीर और मावे के रेट पूछे। मालूम चला मावा 280 रुपए किलो और पनीर भी 280 रुपए किलो है। बातचीत आगे बढ़ती है तो मालूम चलता है कि सस्ते पनीर में कोई रिफाइंड तेल, कोई सोयाबीन तो कोई मोबिल ऑयल तो कोई अरा रूट तक मिला रहा है। मिलावट का धंधा जोरों पर है। इसी तरह मावे में मिट्टी मिलाई जा रही है और इस मावे को 100 से 150 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। 200 रुपए किलो, 280। अब पनीर? पनीर पड़ेगा 280 पड़ेगा। अच्छा एक ही क्वालिटी रखते हैं? सस्ता भी कोई गड़बड़ वाला आएगा, रिफाइंड मिलेगा उसके अंदर? कोई रिफाइंड मिला रहा है, कोई सोयाबीन मिला रहा है, कोई मोबिल ऑयल मिला रहा है? मोबिल ऑयल? हाँ जी, कोई आर रूट मिला रहा है, मिलावट के धंधे बहुत हैं। अच्छा और क्या? और मावा में? ये मावा तो मिल जाएगा, तो मिट्टी मिला रहा है मावा में? मिट्टी मिलती है मावे में, मिट्टी आती है मावे की। अच्छा मिलती है मावा, मावा 100 रुपये मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। वसुंधरा के सेक्टर 16 मार्केट में ही हमने बात की न्यू गढ़वाल पनीर के संचालक से। इन्होंने हमें बताया कि सस्ते वाला मावा भी उपलब्ध करा दिया जाएगा लेकिन उसमें शकरकंद वगैरह मिला देते हैं। इसी तरह घी में भी 36 तरह की मिलावट चल रही है। कितनी क्वालिटी और कितना सस्ता मिलेगा? 250 मिल जाएगा। 250 रुपया उसमें क्या मिला था? खरिया? खड़िया नहीं, मतलब बोल दिए तो खड़िया। अच्छा
एक भाषा होगी मोटी बोलने में। अच्छा। हरिया तो फिर काम में लाएंगे वो। अच्छा। उसमें अटरम छटरम जैसे शकलबंदी वगैरह मिला दी। अच्छा हरिया कैसे मिला दें खड़े तो और घी घी का कौन सा रखता हूँ घी नहीं रखते सफ़ेद में घी में सब तेज तरह मिलावट चल रही है। त्योहार के दौरान हमारे यहाँ मिठाइयों और दूध से बने उत्पादों का सेवन काफी बढ़ जाता है। ऐसे में बाजार में बिकने वाला पनीर मावा घी और मिठाइयों का सेवन कितना सुरक्षित है ये जानने के लिए हमने बात की वरिष्ठ चिकित्सक और आईएमए गाजियाबाद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल तोमर से। डॉक्टर तोमर ने मिलावट पर क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। इस वक्त क्योंकि हम आ गए हैं दिवाली के नजदीक और जब ये त्यौहार आते हैं हमारे यहाँ मिठाइयों का सेवन बहुत ज़्यादा होता है और तमाम चीज़ों का इसमें प्रयोग होता है मावे का पनीर का घी का और इस वक्त पर ये मिलावटी चीज़ें आनी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं ये आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन तमाम नकली चीज़ों के चाहे वो मावा हो चाहे वो आपका घी हो चाहे वो पनीर हो इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है क्या आपने सोचा है कभी ये बात। हम लोग बरसों से बात कहते आ रहे हैं कि इन चीजों से आपको बचना चाहिए क्योंकि शुरुआत हो सकता है कि आपको पेट में दर्द हो जाए गैस हो जाए आपको दस्त लग जाए। ये तो माइनस ही चीजें हैं जो इन नकली मावे से घी से पनीर से आपको हो सकती हैं। अब ये आपकी जानकारी में होना बहुत आवश्यक है कि इन चीजों के सेवन करने से आपके लीवर पर असर हो सकता है आपकी किडनीज पर असर हो सकता है और ये धीरे धीरे करके आपके इम्यून सिस्टम को भी खत्म कर देता है या कम कर देता है जिससे आप बीमारी बहुत जल्दी पकड़ते हैं। कई बार ऐसे केस में देखा गया है जैसे घी हम घी की बात करें घी में कुछ ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो आपके हार्ट के लिए हृदय के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो मिलावट जोरों पर है पनीर मावा और देसी घी के नाम पर बाजार में जहर बेचा जा रहा है। फूड इंस्पेक्टर को ये जहर के सौदागर पैसों से मैनेज कर लेते हैं और आम जनता को छोड़ देते हैं अंजाम भुगतने के लिए। मिलावटी पनीर खोया और घी खाने से न सिर्फ सेहत को भारी नुकसान होता है बल्कि कई बार तो जान पर भी बनाती है। गाजियाबाद के वसुंधरा से हमारे अंडर कवर रिपोर्टर अब दाखिल हो चुके थे साहिबाबाद मंडी में। हमारी तहकीकात की अगली मंजिल थी गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी। यहाँ न्यू गणेश पनीर भंडार के संचालक ने हमें पनीर के दाम 210 रुपए किलो और मावा 200 से 220 रुपए किलो बताए। रिपोर्टर के ये पूछने पर कि कई जगह पनीर 170 रुपए किलो भी बिक रहा है तो इन्होंने जवाब दिया उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है शिकायत रहती है सोयाबीन का रहता है वो रिफाइंड और पाउडर से बना होता है दूध नहीं होता है उसमें। पनीर 210 मिल जाएगा होलसेल में। अच्छा रसगुल्ले वाला मावा 200 मिल जाएगा। अच्छा पिंडी वाला 220 मिल जाएगा। बहुत जगह पे पनीर तो 170 भी मिल जाता है। मिल जाएगा 170 भी लेकिन ड्यूरेबिलिटी नहीं है शिकायत है सोयाबीन होता है वो चलने का नहीं सप्लाई में एक बार दोगे दोबारा मांगने का नहीं चाहिए। तो उसमें क्या रिफाइंड से रिफाइंड मिक्स कर रिफाइंड और पाउडर दूध नहीं होता उसमें पाउडर रिफाइंड का हो उसकी गुंजाइश भी नहीं होती। मान लिया आज लेकर किसी ने यूज करा हो एक दिन बाद दो दिन बाद तो खराब हो जाए। इलाके के फूड इंस्पेक्टर के बारे में बात करने पर मालूम चला कि फूड इंस्पेक्टर को कैसा भी सैंपल दे दो वो उसे फेल ही कर देगा सब पैसों का खेल है। इसमें जैसे फूड इंस्पेक्टर वगैरह चेक करता है तो कोई नहीं करना है फूड इंस्पेक्टर वगैरह को आप पैसा ही दे दो जो चेक करेगा उसे ही फेल करता है। अच्छा ना तो हमारे यहाँ भी कुछ चेक प्योर का दे दो सैंपल वगैरह तो बंदे हुए पैसे होंगे पैसे से मतलब है। अच्छा ना आप कुछ भी दे दो वही फेल है सैंपल पास होता ही नहीं होता तो वो जो सैंपल ले उसमें भर के लखनऊ भेजो 15 दिन में पहुँचे इतना खराब हो गया फेल आ गया पैसे आप फेल है। गाजियाबाद का अग्रसेन बाजार चांदनी चौक बाजार से कम नहीं है। यहाँ तंग गलियों में काफी भीड़ रहती है। यहाँ के ऐतिहासिक चोपला हनुमान मंदिर के पास खोया पनीर और देसी घी की कई दुकानें हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने यहाँ के दुकानदारों से बातचीत की जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई।
भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा अब दाखिल हो चुका था गाजियाबाद के हनुमान मंदिर के पास अग्रसेन बाजार में। यहाँ महेश चंद कंसल मोहित कंसल मावे वालों की दुकान पर हमने मावे और पनीर के रेट मालूम किए। इन्होंने बताया कि पिंडी वाला मावा 240 रुपए किलो और थाप मावा और पनीर 220 रुपए किलो है। बातचीत में इन्होंने ये भी बताया कि मावे और पनीर में पाउडर मिक्स होता है और सारा माल बाहर से आता है। पिंडी वाली कैसे? 40। और धाप वाली? दोनों में फर्क क्या है? बस ये बर्फी में काम आता है, लड्डू में काम आता है, गुलाब जामुन में काम आता है। और पनीर का क्या है? 220। 220 पनीर। भाई ये आपको मैंने भाव बताया है, एक अच्छी क्वालिटी का भाव बताया। तो जैसे ये खोया है, खोया में क्या मिक्स होता है? मतलब पाउडर मिक्स होता है, चर्बी वगैरह तो मिक्स नहीं होता? अच्छा, और पनीर में क्या मिक्स होता है? रिफाइंड वगैरह? सिर्फ पाउडर तो होता है, जो कि एसएमपी होता है, एसएमपी में कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, एसएमपी तो एक सही चीज़ है, सिर्फ मिल्क पाउडर होता है। अच्छा, मतलब रिफाइंड वगैरह यूज नहीं करते? मिलाने को तो बहुत चीज़ आती है, पर जहाँ हमें संतुष्टि होती है ना, हाँ, हम वहीं से माल मंगाते हैं। ये आप लोग खुद से बनाते हैं या सब माल बाहर से आता है? गाजियाबाद के ही अग्रसेन बाजार में हम पहुंच गए सिसोदिया शुद्ध मावा पनीर भंडार में। यहाँ मीडियम पिंडी मावा 220 रुपए किलो था, मीडियम थाप मावा 200 रुपए किलो, प्योर पिंडी मावा 250 रुपए किलो और प्योर थाप मावा 230 रुपए किलो है। पनीर आपको 240 रुपए किलो मिलेगा। बातचीत में आगे इस शख्स ने बताया कि इससे सस्ते में अरारोट या सूजी मिलकर आएगी। ये आगे कहते हैं कि डालडा और रिफाइंड ऑयल तो लगेगा ही लगेगा, तुम पाउडर में क्या लगाओगे चिकनाई के लिए, कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। 220 रुपए लगेगी पिंडी मीडियम वाली, 220 रुपए, 220 आप लगेगी, 200 रुपए। अच्छा, मीडियम प्योर की लगेगी 250, 230। और पनीर? पनीर तो एक बढ़िया क्वालिटी का बेचते हैं, 240। 240 क्या लगी आएगी? अच्छा, सब बहुत लोग तो रिफाइंड वगैरह मिलाते हैं, दाल तो रिफाइंड तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, चिकनाई तो बोलते हैं, तुम पाउडर में क्या लगाओ चिकनाई के लिए, हाँ, तो लगाना पड़ा। अग्रसेन बाजार के सिसोदिया शुद्ध मावा पनीर भंडार में मौजूद शख्स से हमारी बातचीत जारी थी। इन्होंने हमें बताया कि घी ये अपना खुद का बनाते हैं और क्रीम से बने घी की कीमत 520 रुपए किलो है और गांव का घी 600 रुपए किलो है। घी कौन कौन सा? घी अपना ही होता है, अपना ही बनाते हैं। कौन सा है? क्रीम का घी लोगे वो 520 रुपए किलो, गांव का घी लोगे 600 रुपए। तो आपने देखा कैसे गाजियाबाद के अग्रसेन बाजार में देसी घी 520 रुपए से 600 रुपए किलो तक बिक रहा है। आखिर बाजार में खुले में बिकने वाला है देसी घी कितना शुद्ध है, इस बारे में आपको आईएमए के पूर्व नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला की बात जरूर सुननी चाहिए। जहां तक बात है घी में, जो घी है देसी घी, हम जो हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, उनको देसी घी से बहुत प्यार है कि हमें देसी घी मिल जाए, हमारी सेहत बन जाएगी, हमारे बच्चे की सेहत बन जाएगी, बच्चे का दिमाग तेज़ हो जाएगा, उसको सेहत सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसमें भी हमने देखा है देसी घी में भी कई किस्म की मिलावटें, जिसमें दूसरे ऑयल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो दूसरे वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो उनके अपने अलग नुकसान हैं, वो मिक्स किए जाते हैं। और इस आड़ में कि जो देसी घी है, जो मुझे कहते हैं देसी का मतलब प्योर है, प्योर घी, यानी कि मुझे इतनी अच्छा बन रहा है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके खिलाफ हमें गार्ड भी करना पड़ेगा। और जो हम या तो हम टोटली कहते हैं ना उसको, जो पैकेज्ड पैक्ड देसी घी लें, जो खुले देसी घी मिलते हैं, वो इस्तेमाल हम ना करें।
एनसीआर के शहर गाजियाबाद के बाद हमारा खुफिया कैमरा दाखिल हो चुका था दिल्ली से सटे नोएडा में। यहां पर सेक्टर 12 की सब्जी मंडी में मिलावटी पनीर और खोया धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और इन जहर के सौदागरों को कानून या इलाके के फूड इंस्पेक्टर का भी कोई खौफ नहीं है। भारत एक्सप्रेस की अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी पड़ताल में लगी थी और हमारा खुफिया कैमरा अब दाखिल हो चुका था नोएडा के सेक्टर 12 की सब्जी मंडी में। यहाँ न्यू हरियाणा पनीर भंडार के संचालक से हमने बात की। यहाँ पनीर दो क्वालिटी का मिलता है, एक 190 रुपए किलो है जिसमें दूध कम पाउडर ज्यादा है और दूसरी क्वालिटी का पनीर जो कि प्योर दूध का है वो 195 रुपए किलो है। यहाँ मावा 200 रुपए किलो है जो कि पाउडर से बना होता है। मिट्टी की मिलावट वाला मावा सस्ता आता है, इसके दाम 160 रुपए किलो है। आगे बातचीत में ये शख्स बताता है कि धाप मावा 210 रुपए किलो है और पनीर 140 रुपए किलो से लेकर 280 रुपए किलो तक उपलब्ध है। तो दोनों में फर्क क्या है? कलर में फर्क है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो कलर में फर्क है। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब कलर में तो खैर उतना पता नहीं चलता। इसमें होता, उसमें दूध कम है, उसमें पाउडर ज्यादा है, उसमें दूध नहीं है, ये प्योर दूध का। अच्छा, मावा 200 रुपए का। 200, तो उसमें क्या मिक्स होता है? इसमें पाउडर होता है, उसमें भी तो मिट्टी आता है, मावे का मिट्टी वगैरह आता है। मिट्टी वगैरह उसकी होती है, वो सब्जी के लिए होता है, वो मिट्टी वाला होता है। अच्छा, वो सस्ता होता है, 160 रुपए का होता है। वो भी सेम 210 की। हाँ, 10 रुपये महंगे उससे। और क्या नाम है, मतलब पनीर भी 140 रुपये किलो से लेकर प्रॉपर को किसी भी रेट पर चले जाओ 280 रुपये, बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल प्योर 280 रुपये किलो है। बाकी जैसे हिसाब से पैसे डालोगे ऐसे माल मिलेगा। नोएडा के सेक्टर 12 की सब्जी मंडी में न्यू हरियाणा पनीर भंडार के इस विक्रेता के इलाके के फूड इंस्पेक्टर के बारे में जब हमने बात की तो इसने हमें बताया कि जब तुम सप्लाई कर रहे हो तो उन्हें देकर चलना ही पड़ेगा। बातचीत आगे बढ़ती है तो ये शख्स फूड इंस्पेक्टर के बारे में हमें बताता है। वो तो काम के हिसाब से लेते हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख भी लेते हैं। घी और खोया, इन दो चीज पर ज्यादा बड़ा रिस्क है। जब तुम सप्लाई कर रहे हो तो उन्हें देकर चलने पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। काम के हिसाब से लेते हैं, इसके हिसाब से नहीं लेते, काम के हिसाब से लेते हैं। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, घी और खोया, तो दो चीज पे ज्यादा बड़ा वो है। बाजार में खुलेआम मौत बांट रहे जहर के सौदागरों को किसी का कोई खौफ नहीं है। पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, सैंपलिंग, टेस्टिंग और रिपोर्ट में खेल हो जाता है। आईएमए गाजियाबाद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल तोमर क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी गौर से सुनिए। अब कई बार सवाल ये उठता है जब इस तरह के लोग जो कि इन खाने की वस्तुओं में मिलावट कर रहे हैं, हमारी सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों, क्योंकि जब तंत्र में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त होता है तो उस कंडीशन में लोग कार्रवाई ठीक से नहीं करते हैं। सैंपलिंग की जाती है, प्रॉपर टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं होती है, वहां पर आदान प्रदान पैसा होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहां आवश्यकता है, जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश की हम बात करें, इतने हमारे शानदार एक मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी के रूप में, जो बहुत सख्त एक्शन लेते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज आपके नजर में आती है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर तत्काल डालें ताकि सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई कर सके, क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं जो समाज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा अब दाखिल हो चुका था देश की राजधानी दिल्ली में। यहां मोरी गेट बाजार में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने कई विक्रेताओं से बात की। यहां इन लोगों को फूड इंस्पेक्टर का भी कोई डर नहीं है। ये लोग बेखौफ होकर खुलेआम मिलावटी पनीर और मावा बेच रहे हैं। मोरी गेट इलाका दिल्ली की पहचान है। भारत एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर ने यहां मोरी गेट बाजार में चौधरी पनीर भंडार पर पनीर और खोया के बारे में मालूमात की। यहां मौजूद शख्स ने बताया कि पनीर 200 रुपए किलो है, आपको 180 रुपए किलो लग जाएगा और मावे के दाम 200 रुपए किलो हैं।
इन्होंने बताया कि पनीर पाउडर वाला नहीं बढ़िया होगा। पाउडर वाला 160 रुपए किलो है और मावे का रेट डेली तय होता है। मावा और पनीर, पनीर 200 रुपए। मेरे रिटेलर का काम है और मेरे को 100-150 किलो रोज चाहिए। कब चाहिए? वो तो मैं बता दूंगा, डेली चाहिए, एक दिन नहीं चाहिए। 180 रुपए लग जाएंगे। 180 रुपए क्या मावा पनीर? पनीर, पनीर और मावा? मावा मिल जाएगा 200 रुपए भाई। 200 रुपए किलो बता देना। तो ये पनीर क्या मतलब पाउडर वाला होगा या कैसे होगा? पनीर पाउडर वाला नहीं होगा। तो बढ़िया पनीर होगा। बढ़िया पनीर होगा। पनीर अगर पाउडर वाला हो तो? पाउडर वाला भाई साहब, पाउडर वाला मांगो, पाउडर वाला मिल जाएगा। वो क्या रेट मिलेगा? कम से कम 160 रुपये। 160। तो एक दिन पहले ऑर्डर देना होगा। हाँ। और मावा? मावा का तो डेली के रेट होते हैं। दिल्ली के मोरी गेट इलाके में ही हम एक और दुकान पर पहुंच गए और यहां हमारी मुलाकात हुई राकेश सिंह तोमर से, जो मावा व्यापार संघ दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं। राकेश ने हमें बताया कि धाप वाला मावा 140 रुपए किलो, पिंडी वाला मावा 180 रुपए किलो है। आप जितना मर्जी माल ले लो, हमारे ये पूछने पर कि यहां से ले जाने में कोई दिक्कत तो नहीं फूड इंस्पेक्टर वगैरह की, तो इनका जवाब सुन लीजिए। बोलते हैं कि आप फोन कर देना, हम भिजवा देंगे, यार वो हमारे हैं। दोनों चीज की धाप 140 लगेगी आपको, पिंडी 180 लगेगी। दोनों चीज की गारंटी हमारी होगी। अच्छा। गुलाब जामुन की ये थोका रेट बता रहे हैं आपको। अच्छा, माल जितना मर्जी ले लो, एक टन, दो टन, चार टन, जितना। कार तो ले लिया, ये कार है ना? गाड़ी है ना? आपको तो अध्यक्ष लिख करा के इसको। अच्छा, इसका मैं मंडी को पिकअप करूँगा। और यहाँ से ले जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं कोई, जैसे फूड इंस्पेक्टर वगैरह अगर कुछ। अरे आप फोन कर देना, हम भिजवा देंगे यार, वो स्टेट में सारे तुम्हारे हैं। हमारा अगला पड़ाव था मोरी गेट स्थित चौधरी पनीर मावा भंडार। यहाँ मौजूद शख्स ने हमें बताया कि पनीर 200 रुपए किलो है, होलसेल के रेट 190 रुपए किलो है, मावा भी आपको इसी रेट पर मिलेगा। इसने बताया कि हल्का वाला और कम लग जाएगा, पनीर 160 रुपए किलो और धाप वाला मावा 170 रुपए किलो लग जाएगा। बातचीत आगे बढ़ती है तो ये हमें बताता है कि मावे में पाउडर वगैरह लगाते हैं और पनीर में सोयाबीन लगा देते हैं। पनीर और मावा का क्या रेट लगेगा? पनीर 200, मावा 200। नहीं, मुझे होलसेल में चाहिए रोज का। कले का है? हमारा रिटेलर का काम है, सप्लाई का काम है। तो 100-150 किलो पनीर, 100-150 किलो मावा रोज चाहिए। 190 रुपये पनीर लगेगा। हाँ, मावा भी ये रेट लगेगा। अच्छा, बाकी हल्के वाले में लोगे तो कम रेट होगा। हल्के वाले में क्या लगेगा? पनीर इस टाइम रेट चल रहा है, हल्के वाले के 160 रुपये का। 160 160 है पैसा। अच्छा, और मावा जो पिंडी वाला चाहिए का किसी धाप वाला, कई तरह मावा था? दोनों बता दो, हल्का वाला धाप वाला लगेगा तो 170 रुपये। 170। तो इसमें क्या मिक्स होता है, मतलब मैदा होता है, क्या होता है मावे में? पाउडर वाउडर लगाते हैं। अच्छा, पाउडर लगाते हैं। और पनीर में क्या मिक्स होगा? उसमें भी पाउडर ऐसा होता है, पनीर बनने का तैयार हो गया, वो जो हल्का वाला होता है। हाँ, हल्की हल्की सोयाबीन लगाते हैं। अच्छा, सोयाबीन पाउडर। दिल्ली के मोरी गेट इलाके के बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर दाखिल हो चुके थे दिल्ली की ओखला मंडी में, और यहां भी मिलावट वाला पनीर और मावा धड़ल्ले से बिक रहा है, और फूड इंस्पेक्टर को ये जहर के सौदागर चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। अब भारत एक्सप्रेस की टीम राजधानी दिल्ली की ओखला मंडी में दाखिल हो चुकी थी। भारत एक्सप्रेस के खुफिया कैमरे का फोकस अब स्टैंडर्ड पनीर भंडार पर था। यहाँ पनीर के रेट पूछे तो यहाँ सोयाबीन से बना पनीर 150 रुपए किलो और सपरेटा का पनीर 190 रुपए किलो है। बातचीत में यहाँ मौजूद शख्स ने हमें बताया कि इसमें दूध मिक्स होता है, पाउडर मिक्स होता है। फूड इंस्पेक्टर के बारे में पूछने पर इसने बताया कि आते हैं कई जगह, मंथली नहीं जाता, फर्जी आते हैं, 10-20 हजार में मान जाते हैं।
इसमें क्या होता है? ये वाइट, ये सेपरेट है, ये सोयाबीन वाला, ये वाला। अच्छा, सोयाबीन का कैसा? सोयाबीन को 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो सोयाबीन का है, सोयाबीन का। ये कैसे है? क्या रेट लगाइए बताओ ना, आप रेट बताओ फिर देखते हैं। 190 रुपये लगेगा। 190 रुपये। दूध के अलावा क्या मिक्स होता है इसमें? दूध मिक्स होता है, पाउडर मिक्स होता होता है, तो अलग सेपरेट ही होता है। आते हैं बहुत से, आते हैं भैया, कैसे करते हैं जैसे करते हैं। कौन आता है? फूड इंस्पेक्टर आते हैं कई जगह। अच्छा अच्छा, तो उनका सेटिंग होता है, तो उसका मंथली जाता है? मंथली बनते हैं, थोड़ा बहुत जाता है, थोड़ा बहुत जाता है। बढ़िया इंस्पेक्टर नाते वैसे जाते हैं, फर्जी वाले आते हैं, 10,000 मान जाते हैं। अच्छा, ओखला मंडी की एक और दुकान पर हमने पनीर और मावे के रेट मालूम किए। यहाँ मौजूद शख्स ने हमें बताया कि पनीर 170 से 270 रुपए किलो है, मावा 200 से 300 रुपए किलो है। रिपोर्टर के ये पूछने पर कि क्या ये सब दूध से बनता है, तो इसने बताया कि दूध से कैसे बन सकता है, दूध 80 रुपए किलो है। पनीर लगा के 170 का। अच्छा, और 270 का हमारे पास और स्टम है। अच्छा, पूरा 200 से लगा के और 200 300 तक है। अच्छा, फिर हमारे पास 200 वाले। तो 200 वाला जो मावा है उसमें मतलब क्या दूध का है, मतलब ये किस दूध का समझा? 80 रुपये किलो दूध है, क्या समझा? 200 रुपये मिलता है। बाजार में खुलेआम मिलावटी पनीर, मावा और घी के रूप में जहर बेचा जा रहा है। नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी रोकथाम आवश्यक है और अब वक्त आ गया कि सख्त कदम उठाए जाएं। आईएमए के पूर्व नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला भी इस मुद्दे पर यही राय रखते हैं। देखिए, हमारे देश में, हमारे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा एक संस्था जिसको कि हम फसाई कहते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो एक्टिव भी है। प्लस हमारे देश में हर जगह पे बकायदा फूड इंस्पेक्टर्स हैं, फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उनको छापा मारना चाहिए, उनको बकायदा ऐसी एग्जेम्पलरी या डेटरेंट सजाएं देनी चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसी गलती ना करे। लेकिन ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है कि हर लेवल पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और करप्शन है, बच जाते हैं, फिर वही का वही काम धंधा दोबारा स्टार्ट। उससे जो हमारे देश की जनता है वो क्या खा रही है बेचारी, तो इससे एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। वो फूड जो कि हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है, वो जिसके लिए कि हमें प्योरिटीज़ और जो हमारे बकायदा जो मापदंड बनाए गए हैं उन पर हमें वैसा ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता। तो मेरे हिसाब से वो जो फूड एंड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स भी वो फसाई को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, छापे मारने चाहिए, एग्जेम्पलरी सजाएं देनी चाहिए, तभी हमारे देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को अच्छा स्वच्छ पनीर या देसी घी या मावा या मिठाइयाँ मिल पाएंगी। मिलावट के खिलाफ हमारी मुहिम जारी थी और हम जा पहुंचे दिल्ली की जनकपुरी मार्केट। जी हाँ, यहाँ काफी बड़ी तादाद में पनीर और मावा बिकता है। मिलावट यहां पर भी खूब है और यहां भी पनीर और मावे की अलग अलग वैरायटी उपलब्ध है। ये लोग बिना किसी डर के खुलेआम जहर बेच रहे हैं। दिल्ली की जनकपुरी मार्केट, यहां सजती है खोया, पनीर और घी की मंडी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर अब यहां पर विशाल पनीर भंडार में आ पहुंचे थे। यहां पनीर की 3 वैरायटी उपलब्ध है, 200 रुपए किलो, 240 रुपए किलो और मलाई वाला पनीर 250 रुपए किलो। यहाँ खोया 200 रुपए किलो है, इसमें पाउडर लगता है और एक खोया 320 रुपए किलो भी है। एक खोया हो गया, पनीर बस हो गया। आप पनीर कितने क्वालिटी में आ जाएगा? हमारे पास मिलेगा 240। अच्छा, खोया ले लो 200 रुपये, 320 रुपये।
320 रुपये बढ़िया वाला होगा, और जो 200 रुपये वाला होगा उसमें क्या मिक्स होगा? नहीं तो उसका मतलब क्या मैम, पाउडर वगैरह मिक्स होता है? बाहर जाती है ना, मीडियम वाले ही बिकता है बाहर, प्योर वाले तो कोई 30 किलो ही लेते हैं। अच्छा, बाकी सारा ये बिकते हैं 200 वाला ही? 200 वाला 240 बिकता है, 260 बिकता है। इसमें पाउडर मिक्स होता है कुछ? थोड़ा पाउडर, मिट्टी विट्टी और थोड़ा पाउडर लगता है। अच्छा, और ये जो पनीर है 250 वाला, ये कौन सा है? ये फुल क्रीम वाला 250 वाली पनीर, ये मलाई वाला। और जो 200 वाला बता रहे हो, जो 200 वाला है इसमें भी पाउडर ही होता है ना, केमिकल वगैरह भी तो नहीं होता ना इसमें 200 वाले में? जनकपुरी मार्केट के विशाल पनीर भंडार पर मौजूद शख्स से जब हमने पूछा कि फूड इंस्पेक्टर अगर पकड़ता है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हमें जवाब मिलता है तो प्योर लेना पड़ेगा ना, उसके लिए पैसे का खेल होता है सारा। फूड इंस्पेक्टर अगर पकड़ता है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तभी तो पूछ रहा हूँ, 200 रुपए वाला ले जाइए तो फिर तो वही तो मैं पूछ रहा, आप यहाँ बेच रहे हो तो कमाल की बात कर। पनीर, मावा और घी में मिलावट के जहर को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की दरकार है। ऐसे में जरूरत है हुक्मरानों और पुलिस को सजग और सतर्क हो जाने की। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, भारत एक्सप्रेस पर जल्दी ही एक नई इन्वेस्टिगेशन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।